स्ट्रक्चरलिज्म वॉज फॉलोड बाय फंक्शनलिज्म। हम कहते हैं बेटा स्ट्रक्चरलिज्म के बाद कौन सा स्कूल आया? फंक्शनलिज्म। दैट स्टडीज द वर्किंग ऑफ द माइंड। उन्होंने बेटा क्या स्टडी किया? वर्किंग ऑफ द माइंड एंड द इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर। वर्किंग ऑफ द माइंड एंड द इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर अपॉन पीपल्स इंट्रैक्शन, अपॉन पीपल्स इंट्रैक्शन विद दियर एनवायरमेंट, अपॉन पीपल्स इंट्रैक्शन विद दियर एनवायरमेंट, अपॉन पीपल्स इंट्रैक्शन विद दियर एनवायरमेंट। लोगों की इंट्रैक्शन किसके रिलेटेड बेटा? एनवायरमेंट के रिलेटेड। एनवायरमेंट के रिलेटेड तो हम कहते हैं फंक्शनलिज्म ये कहता था, जो हम ब्रेन का माइंड का स्ट्रक्चर देखेंगे उससे बेहतर ये है हम ये देखेंगे माइंड कैसे फंक्शन करता है। जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब हम एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट होते हैं, हमारा माइंड फंक्शन कैसे करता है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम स्ट्रक्चर देखें। उसके बाद बेटा एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, हाँ क्या ढूंढ रहे हो बेटा? हाँ वो मत उन्होंने ली होगी। एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स हु हैड सेट अप ए साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, हु हैड सेट अप ए साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन कैम्ब्रिज, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन कैम्ब्रिज। डेवलप्ड इन कैम्ब्रिज के बाद बेटा डेवलप्ड फंक्शनलिस्ट अप्रोच, फंक्शनलिस्ट अप्रोच। जेम्स बिलीव्ड दैट, तो बेटा हम कहते हैं विलियम वेंडर के बाद दूसरी लेबोरेटरी अमेरिका में बनाई गई। किसने बनाई? विलियम जेम्स ने। मगर इसने अपने अप्रोच को डिफरेंट बनाया। इसने कहा कि हम ये स्टडी करेंगे माइंड कैसे फंक्शन करता है, कैसे हम लोगों से इंट्रैक्शन करते हैं और कैसे हम एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। हम ये चीज़ें कंसिडर नहीं करेंगे कि माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद जेम्स बिलीव्ड दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, साइकोलॉजी शुड स्टडी व्हाट द माइंड डज, साइकोलॉजी शुड स्टडी व्हाट द माइंड डज and how behavior functions in making people deal with their environment। इससे बेहतर है हम स्टडी करें हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, कैसे हमारा बिहेवियर फंक्शन करता है, कैसे हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। they focus on how behavior enabled people enabled people to satisfy their needs
जॉन डिवे एंड डी ई डब्ल्यू ई वाई एंड हार्वी कार सपोर्टेड द एरिया ऑफ फंक्शनलिज्म इन दोनों ने इस फंक्शनलिज्म को सपोर्ट किया। उसके बाद थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी गेस्टाल्ट GESTALT हाँ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इन द ट्वेंटीथ सेंचुरी अनदर परस्पेक्टिव कॉल्ड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इमर्जेड हाँ इमर्जेड इन जर्मनी एज ए रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म। हम कहते हैं 20th सेंचुरी में एक नया परस्पेक्टिव आया जिसको हम कहते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो इमर्ज हुआ जर्मनी में किसके खिलाफ, स्ट्रक्चरलिज्म के खिलाफ, स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ वेंडिट it focused on the organization of perceptual experience, instead of looking at the components of the mind, the Gestalt psychologists argued that When we look at the world, our perceptual experience is more than the sum of components of the perception. than the sum of components of the perception. In other words, what we experience is more than the inputs received from our environment. Experience is holistic. It is a gestalt. देखिए बेटा, ये हमें कहता है ना हमें ब्रेन पे फोकस करना है, ना हमें स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पे फोकस करना है, ना हमें माइंड पे फोकस करना है, ना हमें माइंड के स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। हमें फोकस करना है परसेप्चुअल एक्सपीरियंस पे।
मिसाल के तौर पर आज तक आपको व्यू बताया गया था, सुबह सवेरे अगर कहीं जाएंगे कुत्ते होते गाड़ी नहीं मिलती है, कोई रास्ते से नहीं चलता है। मगर बेटा जब आप सुबह निकले, जब आपने देखा बहुत सारे लोग चलते हैं, जब आपने देखा कुत्ते अब कुछ नहीं करते हैं, गाड़ी भी मिलती है, आपके एक्सपीरियंस चेंज होगी। हम कहते हैं जो हम सुनते हैं हमारी एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा बढ़ती है। मिसाल के तौर पर आप पहली बार बार्बरशॉप कोचिंग सेंटर में पढ़ने आए, जब आप पहले दिन आए आपको घर में मामा ने बोला, बेटा जो ही आप कोठीबाग हायर सेकेंडरी के पास पहुँचोगी आप पहुँच गई अपने सेंटर। मगर जब आप आज यहाँ आते हो आप मामा को बोलते हो कोठीबाग हायर सेकेंडरी के आगे है, लेफ्ट साइड से उसको दरिया है, राइट साइड से वो मिस्त्री की शॉप्स है, मतलब आपकी एक्सपीरियंस ज़्यादा होगी जब आपने खुद परखा। तो इसीलिए बेटा हम कहते हैं हमेशा बिलीव होना चाहिए परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस जो आप खुद ऑब्जर्व करते हो। क्योंकि बेटा हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हम कोई एक्सपीरियंस करते हैं जो परसेप्चुअल नहीं होती, जो रियल नहीं होती है, और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है।